गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी का नाम है। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा, अपने पंखों से तुम मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर तक जाने पर उसकी भेंट हुदहुदों से के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। यहाँ पर एक राजा है सुलेमान। वो अपने उलन खटेरे में घूमने ऊपर आसमान में आकाश में उड़ने जाते हैं और वह गर्मी से परेशान होते हैं और धूप ज्यादा परेशान उन्हें करती है, तो वह आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से मदद मांगते हैं कि उन पर छाया कर दे। लेकिन गिद्ध उन्हें बहाना बनाकर कहते हैं कि हमारी गर्दन पर बाल भी नहीं है और गर्दन पर पंख भी नहीं है और हम बहुत छोटे हैं, हम नहीं कर सकेंगे। तो सुलेमान आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर उन्हें हुदहुदों का मुखिया मिलता है और वो हुदहुदों से सुलेमान उनसे मदद मांगते हैं और वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए अपने सारे गिद्धों को बुलाकर हुदहुदों को बुलाकर उसकी मदद करते हैं, जिससे सुलेमान खुश हो जाता है और बोलता है कि गिद्धों ने मेरी मदद नहीं करी, लेकिन तुम छोटे होने के बाद भी मेरी मदद किए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करके बाद में अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों के से सलाह करके करने के बाद, महाराज वरदान दीजिए कि हमारे सिर पे आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसते हुए बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोचा है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुद का वंश समाप्त होने आ गया, पर मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो तुम्हें तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ताज या कलगी शोभा पा रहा है। अब हुदहुदों के महाराज ने बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ। तो महाराज ने क्या बोला कि हुदहुदों ने बोला कि मैं अपने सारे हुदहुद के जो राजा था उसने बोला कि मैं अपने सारे लोगों से पूछकर बताऊंगा। कुछ समय बाद उन्होंने एक वर मांगा कि हमारे सिर पर सोने की कलगी लग जाए। तो सोने की कलगी लगने के कारण क्या हुआ कि वहां पर सोने की कलगी होने के कारण वो वहां पर क्या हो गया, लोग उसे मारने लगे, उन लोगों को
मारने लगे, उनका वंश समाप्त होने लगा। फिर हुदहुद बादशाह के पास जाता है और बोलता है, इस सोने की कलगी के कारण हमारा वंश समाप्त हो गया है। सुलेमान ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, चलो आज से तुम्हारे सिर पर सुंदर परों का ताज होगा, ना कि सोने का। और उस दिन के बाद से हुदहुद के सिर पर क्या है, वो ताज है परों का। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर में का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, ये चौकन्ना होकर अपने परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पक्षी जैसी लगने लगती है। इसकी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी सुन पड़ रही है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इनके सिर से काले और सफेद सिरे पर काले और सफेद होते हैं। दूम की भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़ों को मकोड़ों को निकाल लेता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहरी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए इसे हाजमीन का चिड़िया कहा जाता नाम से पुकारा जाता है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। हुदहुद एक पक्षी है बेटा, और ये क्या है, सुंदर पक्षी है। और इसके सबसे सुंदर भाग क्या है, इसकी सिर की कलगी। और जब कभी ऐसे तो ये बंद रखता है, लेकिन जब कभी कोई आवाज होती है और ये चौकन्ना होता है, तो अपने परों को फैला लेता है। और यह रंग बिरंगा और चटकीला होता है। इसमें धारियां होती हैं सफेद रंग की, बादामी रंग की। गर्दन इसका अगला हिस्सा होता है। इसकी दुम सफेद होती है और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली लंबी और तीखी होती है, जिसके कारण ये कीड़े मकोड़े आसानी से पकड़ लेता है और ढूंढ लेता है। और चोंच इसकी नरहरी के समान, हरनी के समान होती है, इसलिए इसे हजामीन भी कहा जाता है। और यह हमारे देश में कई भागों में पाया जाता है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए देखा होगा। बोलते समय या तीन बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूप के कीड़े का पकड़ ढूंढने के कारण इसे पदुब या भी कहते हैं। सुंदर कलगी की वजह से कुछ देश में इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते हैं, वह अंडों पर बैठती है, हटती नहीं। नर ही भोजन लाकर वहीं पर उसे खिलाना जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक यह हुदहुद, यह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली से मिठास, बोली में मिठास है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हुदहुद को जो क्या है, जमीन के कीड़े तीखी चोंच के कारण जमीन के क्या करता है खोदते हुए अवश्य हम देखे होंगे। और ये जब आवाज करता है तो हुप हुप सा हुप 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 आवाज करता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे हुपऊ कहते हैं, हिंदी में हुदहुद कहते हैं। और धूप के कीड़े खाता है, इसलिए इसे पदुब या कहते हैं। और इसके सिर पर कलगी है सुंदर, इसलिए इसे शाह सुलेमान कहा जाता है। मादा इसकी 3 से 10 अंडे निकालती है, और जब तक अंडे में से बच्चे नहीं निकलते हैं, तब तक वो उस
घोंसले से हटती नहीं, उस अंडों पैर से हटती नहीं है, न ही उसे भोजन लाकर देता है और खिलाता है। दोनों में से कोई भी अपने घोंसले की सफाई नहीं करते। ये एक विख्यात पक्षी है, हुदहुद और सुंदरता के लिए तो मशहूर है। यह इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, न ही इसकी बोली में कोई मिठास होती है।